नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। वार्ष्णेय लिखा, राहुल वार्ष्णेय चौधरी का लिखे, वो मेरा असली नाम है। हाँ। लेकिन मैं राहुल कपूर यूज करता हूँ। क्यों? सर एक्टर है ना, उसको बोलने दे, तू बीच में मत बोल। सर एक्टर लोग ऐसा करते हैं, मतलब क्या, घर पे एक नाम और पर्दे के लिए दूसरा नाम। क्यों? अमिताभ बच्चन का क्या है नाम घर पे? अमिताभ बच्चन का नहीं है लेकिन। क्यों क्यों नहीं है? वो तो बहुत बड़े स्टार है बच्चन साहब। कईयों का है लेकिन। होता है सर, कई लोगों का पहले से, मतलब अभी जैसा अक्षय कुमार। हाँ, अक्षय कुमार का नाम राजीव भाटिया, वैसे राजेश खन्ना का जतिन था वो, उसका ये अक्षय कुमार असली नाम नहीं, राजीव भाटिया असली नाम। बोला कौन सी पिक्चर में काम किया तू? अभी तक नहीं किया। कब करेगा? सर वो चांस मिलने पे होता ना सर, मतलब एक्टर अच्छा एक्टिंग अच्छी करता है। तू क्या करता है? मैं सर कास्टिंग करता हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, निर्माता। कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग मतलब सर जैसा कोई मूवी बनता है ना। हाँ, मूवी बनता है। तभी उसमें जो एक्टर कलाकार लोग होते हैं उनको मैं चुनता हूँ। मतलब पिक्चर में वो शाहरुख खान काम करेगा कि सलमान खान, वो तुरंत तय करता है? नहीं सर वैसा नहीं। फिर कैसा जो बड़े लोग होते हैं ना। हाँ। वो शाहरुख खान। हाँ मतलब हीरो हीरोइन ऐसा जो बड़े लोग वो पहले से डिसाइड रहते हैं। अच्छा। लेकिन अभी जैसा हीरोइन है तो उसकी माँ कौन करेगा, हीरोइन का बाप कौन करेगा? कैरेक्टर अभी विलेन हो गया बराबर, तो विलेन के आजू बाजू में कौन खड़ा होगा? वो उन लोगों को मार खाने वाले वगैरह, वो सटर बटर वो तू करता है। इसको क्यों नहीं काम दिया, दोस्त है तेरा? सर इसको बड़ा बनना है, हीरो मतलब हीरो करना है इसको। हीरो तो ये है ना। अच्छा अच्छा काम करता है, बहुत बड़ा हीरो है। छोटी लड़की को गाड़ी में अकेला छोड़ के जाता है। 10 साल उम्र है उसकी। क्यों घूम रहा था लड़की को लेके? क्योंकि हर सैटरडे वो मुझसे मिलती है। क्यों सैटरडे? उसकी माँ काम पे जाती है क्या? उसकी माँ से मेरा तलाक हो चुका है। ए, ए, लपड़े थे साधना है मुझसे, डिवोर्स तलाक ये करणार लपड़े आपण बसा उठत। हाँ तर फिर तो इसलिए वो मेरे साथ थी। तो उसकी माँ को बोला था क्या बच्ची को छोड़ के जा रहा हूँ करके? बोला था क्या? सर इसने मुझे फोन किया कि ऑडिशन है। हाँ। लंबा सीन है, तू सीन लेने आ जा। अच्छा। तो कली मेरे साथ थी, मैंने गाड़ी वहाँ नीचे पार्क की, कली को बोला मैंने कि तू गाड़ी में रह, मैं ऊपर गया, ये घर पे था नहीं। मैडम मैं नहीं आता नहीं। होए साहब। हाँ। तो देखा इसके माँ बाप वहाँ थे, मैंने सोचा चलो मैं वेट करता हूँ, कुछ देर के बाद ये आया और इसने मुझे पूछा कि कली कहाँ है, तो मैंने कहा गाड़ी में, इसने कहा गाड़ी में नहीं है, तो मैं भागा नीचे कहाँ चली गई, मेरे पीछे पीछे ये भी आ गया, मैंने देखा कि वो गाड़ी में नहीं थी, मैं ढूंढना शुरू कर दिया, तब तक देखता हूँ कि ये भी पीछे आया और इसने मुझे आवाज़ दी, इसने किसी आदमी को पकड़ लिया था, मुझे लगा कोई क्लू मिल गया होगा, तो भागता हुआ गया, उस आदमी ने इसको धक्का दिया और वो गाड़ी के नीचे आ गया। अब इसमें हमारी क्या गलती है सर? जाएगा बेटी गायब हो गई सर, आप हमसे पूछताछ कर रहे हैं, मतलब उसको ढूंढना चाहिए ना। यार तू काय सोंग उठतो, तू काय मला शिकवतो, तू काय करायचं ते तुम्ही बापाला शिकवा। काय को फोन किया तू इसको? सर वो सीन ऑडिशन था जिस उसका, तो वो हाँ। सीन देने के लिए मैंने इसको फोन किया। बराबर। हाँ। और जब भी ये घर पे आया तो असल में मेरा कंप्यूटर था खराब। कंप्यूटर का क्या मतलब है? कंप्यूटर कहाँ से आया अभी बीच में? सर, सीन तू सीन की बात कर रहा ना, अभी सीन देने का है तो कंप्यूटर का क्या संबंध है? ईमेल में होता ना सीन, ईमेल में होता है, तो वो ईमेल चेक करने सर साइबर कैफे चला गया। साइबर कैफे में ईमेल से प्रिंट आउट लेके इसको देना, ये सीधा बोलना फिर तो मेल से प्रिंट निकाला, हाँ। निकाल के मैं जब भी आया, हाँ। मतलब आया तो घर के नीचे ऐसा गाड़ी खड़ी थी, हाँ। यहाँ राहुल ने जहाँ खड़ी की थी, हाँ। और गाड़ी देखी मैंने, उसके बाद ऊपर आ गई, नहीं गाड़ी में मैंने ऐसा देखा कि तो ये नहीं था गाड़ी में, तो मुझे होगा कि मुझे लगा ऊपर होगा, हाँ। तो मैं ऊपर आया, ऊपर आया तो जब भी राहुल मिला तो मैं उसको बोला कली किधर? तेरे को कैसे मालूम गाड़ी में वो लड़की है कि नहीं है? जब मैंने फोन किया था तो मैंने बताया था कि कली मेरे साथ है, ये बताया था तू? हाँ। ये क्यों नहीं बताया तूने? तुम दोनों के अलग अलग स्टोरी लगाते क्या? नहीं सर, इधर क्या मनगढ़ंत बात बताते हो क्या तुम? पुलिस स्टेशन है। इसने मुझे सीन लेके मैं ऊपर आया, हाँ। और राहुल जब भी मिला तो मैंने इसको बोला कली की तरह, बोला नीचे गाड़ी में होगी, बोला गाड़ी में नहीं,
तो ये एकदम से भागा, ये भागा तो इसके पीछे मैं आया और ये नीचे गया, इसने गाड़ी में ऐसा देखा और उसके बाद ये मार्केट के दूसरे बाजू में गया और मैं दूसरे बाजू में गया। किधर? ये अभी गाड़ी, चल ये गाड़ी। तो अभी गाड़ी जैसा उसने गाड़ी ऐसा लगाया था ना, जोक का पार्ट होता था जाएगा। हाँ बोल, गाड़ी में। हाँ ये एकदम से गया गाड़ी में, ऐसा देखा गाड़ी में कोई था नहीं, तो ये इस तरह भागा मार्केट के ये बाजू में भागा। मी इथे गेलो, मतलब शेर पंजाब मी हे बाजूला गेलो। थोड़ा मैं आगे गया, आगे गया तो एक आदमी ऐसा था, मैंने ऐसा उसको पूछ लिया कि कोई लड़की देखी क्या, 7-8-9 साल की ऐसी। तो वो आदमी का मतलब ऐसा फोन बज रहा था बार बार, मैं उसको पूछा तो कुछ बोल नहीं रहा था, उसका मोबाइल ऐसा बजे जा रहा था। मैं उसको बोलो भाई तेरा मोबाइल बज रहा है, क्यों तेरे को क्या लेना देना, उसका फोन बज रहा है, क्या हो रहा है, तू लड़की ढूंढ रहा था ना? नहीं सर, अभी जैसा मैं आपसे ऐसा बात कर रहा हूँ, अभी मेरा फोन बजेगा तो आप बोलेंगे ना कि ले लो। तो उसने ऐसा फोन निकाला ना, तो उसके हाथ में मतलब आईफोन था, ये वाला फोन, ये फोन उसके हाथ में था। आईफोन स्क्रीन पे ना मतलब ऐसा राहुल का फोटो जब भी चमका तो मैं बोला अरे तो कली का, मैं ट्राई कर रहा था ना वहाँ से अपनी बेटी, तभी ये फोन कर रहा था। एक मिनट, इस पे फोन पे फोटो आया? हाँ फोन पे इसका फोटो चमका। क्या बोल रहा तू, फोन पे फोटो क्या बोल रहा है अभी? तो जब मैं फोन करता हूँ तो मेरा फोटो आता है पापा कॉलिंग करके। क्या होता है पापा? वो क्या पापा, पापा कॉलिंग करके मेरा फोटो आता है। पापा कॉलिंग? अरे मैं इतनी बार अपने फोन से मेरी लड़की को फोन करता हूँ इधर ऑफिस, इधर से चौकी में से, कभी नहीं आता पापा कॉलिंग, पापा कॉलिंग। तेरा कैसे आएगा सर? सेव करना पड़ेगा ना पहले। क्या सेव करना पड़ेगा? आपका फोटो सेव करना पड़ेगा आपकी बेटी के फोटो मोबाइल में, तो ही आपका मतलब आ जाएगा पापा कॉलिंग। कैमरा सर, कैमरा वाला फोन कौन का है? तुझे अलग कैमरा नहीं दिया कैमरा क्या है? कैमरा है इसमें, मैं समझाता हूँ। इतना फालतू समझता है तू, कैमरा नहीं है क्या इसमें? सर मैं बताता हूँ क्या होता है। क्या होता है? सेव करना, पहले फोटो लेनी पड़ती है, बराबर वो सेव करना पड़ता है ना, फिर जब आप फोन करोगे बराबर तो वो बजेगा, तो इस पे इधर फोटो आएगा। हाँ तो जैसे उनके इनके फोटो में जैसे मैं एक कैमरा ऑन करना। अरे लेकिन अभी जैसे ये फोन पे अगर फोटो खींच लेंगे ना आपका, मेरा फोटो खींचेगा तो सर तभी तो फोटो आएगा ना, तो इधर आएगा मेरे फोन नहीं, जैसा अभी इधर सर इधर आएगा, जब आपका फोटो मैं इसमें लूंगा तो फोटो इसी में आएगा, उसमें कैसे आएगा? अभी जैसा आप जब भी इनको फोन करेंगे ना, अभी एक बार ऐसा सेव करके हम लोग कर देंगे, जैसा जो भी कैमरा है जिसका भी मोबाइल सर, बैठ रुक फोटो चल। श्रीलाल कहाँ रहते हैं? श्रीलाल तो फोटो बनाते हैं। श्रीलाल ये रहता है? हाँ यही रहते हैं। और कौन कौन इधर? हम रहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? उमा देवी। तो क्या कर रहे हो? बच्चों के लिए फोटो बना रहे हैं। श्रीलाल बेचता है बच्चों को? छोटे बच्चे पसंद है क्या उसको? वो तो मालूम नहीं, तुम्हारा खबर मिला है श्रीलाल और तुम मिलके बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ कर? नहीं नहीं नहीं, पक्का ये हमको कुछ मालूम नहीं है। श्रीलाल को पहले पकड़ा है पुलिस? पुलिस ने पकड़ी थी, पब्लिक ने मारी थी, एक छोटी सी बच्ची थी उसको चूसने वाला बर्फ खिला दिया तो पब्लिक ने मारा, छोटी बच्ची के लिए। वो क्या तो फोन लगा रहा है कि क्या कर रहा है? बैलेंस खत्म हो गया सर। बोल नंबर बोल सर। 98219। घर का बोल रहे? घर पे फोन नहीं क्या? 2345 4567। माँ क्या करती है बेटी? माँ कुछ नहीं करती। कौन कौन है घर पे? उसका हस्बैंड है।